मुझे लगता है अम्मी को पता भी चल गया, इसलिए वो तुम्हें इलाज करवाने से इनकार कर रही है और तुम्हारे इस रिश्ते पर इसरार। मैं अपनी बची हुई जिंदगी में सिर्फ इस घर की खुशियां देखना चाहती, अगर मेरी बात तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती तो इनकार मत कर। हरीम प्लीज, मैं बात करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। बेटा माशाल्लाह। बैठो बैठो। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। आओ भाई आओ बहू रानी, माशाल्लाह। जीती रहो जीती रहो, बैठो। हम ना तुम्हारे घर से क्या शानदार नाश्ता आया है। तुम्हारी मामा का वाकई बड़ा आला शौक है, मान गई मैं उनके स्टाइल को। क्या शहाना अंदाज है भाई। थैंक यू मम्मी। आप जानती हैं ना, नाना जी बहुत बड़े जागीरदार होते थे। बिल्कुल मेरे वालिद की तरह। क्यों शेख सर? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मम्मी हम तो 120 गज के एक छोटे से घर में रहा करते थे। थोड़े से पैसों में कितना अच्छे से गुजर बसर हो जाया करता था हमारा। पानी पानी। लाइबा बेटा बेटा अपनी भाभी की खिदमत करो, उसको खूब खिलाओ पिलाओ। देखो कितना अच्छा नाश्ता भेजा इनके घर वालों ने, हैं? तो बेटा आप भी कोई तकल्लुफ ना कीजिएगा। तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो अब मेरा घर है। तक क्यों नहीं? अपनी हद में रहना सीखो फायस। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, मैं सब समझ रही हूं। काश कि ये सब कुछ इतना आसान होता कि हर माँ अपने बेटे के दिल में झांक के देख सकती कि वो क्या समझ रहा है। लेकिन शायद ये आप नहीं,
जो कुछ मैं और तुम्हारे डैडी कर रहे हैं ना, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मगर तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर पर्दे पड़े हुए हैं। जो कुछ तुम्हें ये सब्ज बाग दिखा रहा है ना, उसकी हरियाली से तुम्हारी आंखें चुंधिया गई हैं। तुम मुझे मेरी औकात बताओगे? तुम भूल रहे हो कि इस घर में मैं सबको उनकी औकात में रखती हूं। क्या आपको खराब मेहमान के साथ ये बर्ताव करना चाहिए था? वो हमारे मेहमान नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं। मामी, आपकी वालदा किस कदर बड़ बोली हैं। आपके वालद जरूर शेख हैं, लेकिन आपकी वालदा शेही खोरी। अम्मा, तुम ना बहुत शरारती हो। अगर ये सब मम्मी ने सुन लिया ना, पूरे घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तुम अभी उन्हें जानती नहीं। उन्हें जानने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, रिलैक्स। और जो मेरी शरारते हैं ना, वो कभी रुकेंगी नहीं। Get used to it. अच्छा, जल्दी करो, हम मामा पापा के जा रहे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हरी आ जाए। आप दोनों को बेगम साहिबा बुला रही हैं। थैंक यू। बेगम साहिबा, वो आ रही है। ठीक है। माशाल्लाह, ये रंग कितना हसीन लग रहा है तुम पर। थैंक यू। पर हम ना, तुमने वो जेवर नहीं पहना जो मैंने दिया है। वो मेरे आउटफिट के साथ मैच नहीं कर रहा था। वैसे भी मुझे थोड़ी अंडरस्टेटेड ज्वेलरी बेहतर लगती है। बेटा, वो हमारा पुराना खानदानी जेवर है, पूरे 22 तोले का। तुम्हारा ओल्ड फैशन है मम्मी। यू नो, आजकल इमिटेशन ज्वेलरी के भी डिजाइन बेहतर होते हैं। Bye, mom. Bye.